आज के पत्र जनन के इस कार्यक्रम में उस प्रीति आपका स्वागत करता हूं। मंच पर सबसे महत्व है श्रीमान विद्यारत्न जी, आप संघ की दृष्टि से कठुआ विभाग के मानी विभाग में चाहता हूं। आपका निवासन पटेल नगर कठुआ में है। आप जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद से सेवानिवृत्त हैं। वहीं उनके दाइयों श्रीमान सुरेंद्र लाल जी बजाज संघ की दृष्टि से आप कठुआ जिला के माननीय जिला संचालक हैं। आपका निवासन रणदीप बिहार कठुआ में है और अपना निजी व्यवसाय है। सबसे बाई ओर आज के मुख्य वक्ता श्रीमान डॉक्टर विक्रांत जी, आप संघ की दृष्टि से जम्मू कश्मीर प्रांत के प्रांत कार्यवाह हैं। आप प्रोफेशन से ऑटो जम्मू में हैं। अमृत वचन और एकल कविता के बाद हमें श्रीमान डॉक्टर विक्रांत थोड़ा सा ध्यान रखना है, कार्यक्रम की मर्यादा को मनाना है। संसार की किसी भी समस्या आशा कभी भी सफल नहीं हो पाती है, परंतु शक्तिशाली राष्ट्र कोई भी काम जब चाहे तब अपनी इच्छा अनुसार कर सकते महामंगले पुण्य भूमि पतत्वेश कायो नमस्ते नम प्रभो शक्तिमान हिंदू नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे। अभी ये इनको तीन लाइनों में खड़े कर सकते हैं, बजो इनको तीनों लाइनों में खड़े करो, जितने भी हैं टोटल। अभी कर फोन मातरम 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 मातरम।
पथ संचलन जो है ये अपने संघ की कार्य पद्धति का एक हिस्सा है। विजयदशमी के दिन 1925 में नागपुर के अंदर डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना की थी। तो ऐसे भी ये जो विजयदशमी का उत्सव है ये अपने देश के अंदर एक धार्मिक सांस्कृतिक एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम इसको मनाते हैं। तो सौभाग्य से ये दिन जो है हमारे संघ के लिए भी महत्वपूर्ण है। संघ की स्थापना भी इसी दिन हुई थी, तो इसलिए देश भर के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस दिन पथ संचलन के रूप में समाज के अंदर बाहर आता है और एक अनुशासित तरीके से भारत माता के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए ये संचलन संघ के स्वयंसेवक जो है कदम से कदम मिलाते हुए देशभक्ति के गीत गाते हुए समाज से अन्य अन्य मार्गों से निकलते हैं। तो उसी कड़ी के अंदर आज अपना ये कठुआ जिला जो अपना है इस जिले का ये कार्यक्रम है जो अभी आपके सामने यहाँ ITI मैदान में संपन्न हुआ है। आज आप देख रहे हैं कि स्वयंसेवक जो है वो पूर्ण गणवेश में आए हैं और बड़ी बात की है ये सब स्वयंसेवकों ने ये गणवेश अपने स्तर पर तैयार किया है, कोई संघ की तरफ से उनको दिया गया नहीं है। ये इसका शुल्क वहन किया है उन्होंने स्वयं, जो अपनी पैंट है, सफ़ेद कमीज है, टोपी है, खाकी निकर पहले होती थी आज नहीं है, लेकिन काले जूते हैं। तो इसको पूर्ण गणवेश में हम ये कार्यक्रम जो है आज कठुआ के अंदर कर रहे हैं। तो ये हम सब समाज के लिए, देश के लिए और कठुआ के वासियों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। इस अवसर में सबको शुभकामनाएं दूंगा।